जो एग्जिट पोल लगातार बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं कई राज्यों में। आपको मेरे चेहरे से भाव से या कमलनाथ जी के चेहरे से भाव से चिंता नजर आ रही क्या? 100% मध्य प्रदेश में 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो संभाल के रखना। तो जीतू पटवारी को पूरा भरोसा है कि कांग्रेस प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, साथ ही मधु वर्मा को भी जीतू इस बार मात दे देंगे, ऐसा जीतू दावा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल ने जीतू पटवारी को राव में कमजोर बताया है। जीतू पिछले चुनाव में महज 5000 वोटों से मधु वर्मा से जीते थे, लेकिन इस बार जीतू पटवारी भले ही अपनी और कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन उनके चेहरे का भाव बहुत कुछ इशारा कर रहा है। तो जो बवाल करने की बात करते हैं वो हार रहे हैं, हम पेशेंस से जीतेंगे। बीजेपी कह रही है अगर आप लोग हारोगे तो फिर आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ोगे। अब वो बीजेपी क्या कह रही है उसके सारे उत्तरों के हम जवाब दे ही नहीं है, पर जरूर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को ईवीएम पे भरोसा है? कांग्रेस पार्टी को जनता पे भरोसा है। कमलनाथ भी यही कह रहे हैं कि हमें वोटर, जो एग्जिट पोल चल रहे हैं उन पे कोई मतलब नहीं है, हमें वोटर्स पे भरोसा है अपने, तो वोटर्स को लेकर वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है। जो एग्जिट पोल लगातार बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं कई राज्यों में। आपको मेरे चेहरे से भाव से या कमलनाथ जी के चेहरे से भाव से चिंता नजर आ रही क्या? 100% मध्य प्रदेश में 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो संभाल के रखना। कांग्रेस ने डिमांड किया है कि फोर्सेस एक्स्ट्रा डिप्लॉय, फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, आप लोग डरे हुए? हाँ, ये नहीं, हम डरे हुए नहीं हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, इनका षड्यंत्रकारी जो चेहरा है, सोच है, विचार है, ये पहले इसका प्रदर्शन कर चुके हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त उसी का तो मॉडल था, विधायकों को कैद करके यहाँ से दूसरे राज्य में ले जाना, ये उसी का तो मॉडल था। जब मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से क्राइम एक दूसरे के पर्याय। आप गए थे उस दौरान, आपने भी ऐसी स्थिति देखी थी 2020 में, तो क्या आप भी ऐसी स्थिति आ सकती है अगर बहुत कांटे वाली टक्कर? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार मैं 135 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, तब 119 थी। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ 7 इलाकों में जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, जिसमें मालवा इलाके में यात्रा का नेतृत्व जीतू पटवारी ने किया था। यही नहीं, जीतू स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल थे, लेकिन मालवा से जीतू बाहर ही निकल नहीं पाए। वहीं इस बार राव से जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जीतू की सीट खतरे में है। फिलहाल 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि जीतू का दावा कितना सही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।